व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मूली की सब्जी बनाने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मूली मीडियम साइज की, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जिनको काट लिया है। 2 प्याज हमें चाहिए, जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 टमाटर की प्यूरी ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। चलिए जानते हैं इसमें मसाले कौन से ऐड होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें यूज करेंगे। और कुकिंग के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। तो ये तो हुए इंग्रेडिएंट्स, आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड करूंगी। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। अब प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारे प्याज थोड़े से भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हमारी सब्जी का मसाला पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें सबसे पहले आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, मैंने आलू को ढक दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम मूली ऐड करेंगे। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आलू को पकने में ज्यादा टाइम लगता है और मूली जल्दी से पक जाती है, तो बाद में हम मूली ऐड करेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आलू को पकाया है। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई मूली ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इससे ढक देंगे और 7 से 8 मिनट में हमारी मूली की सब्जी रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो बीच में 1-2 बार हिला सकते हैं। ये देखिए, हमारी मूली की सब्जी रेडी है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और हरे धनिये से गार्निश करेंगे। ये देखिए, हमारी हेल्दी एंड टेस्टी मूली की सब्जी रेडी है। आप इसे रोटी या परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मूली एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। जो लोग कच्ची मूली नहीं खा सकते, वो इस तरह से मूली की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अगर आप मूली के बेनिफिट्स डिटेल में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप के बटन पर हिट जरूर कीजिए। एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।